हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर कलबुर्गी मेमोरियल लेक्चर के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए। कल 1 नवंबर को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का जन्म दिवस था, छुट्टी के कारण हम वो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर 1 नवंबर 1945 महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। उन्होंने MBBS किया, बाद में 12 साल MBBS एज अ डॉक्टर उन्होंने प्रैक्टिस की। बाद में 1980 में वो सोशल जस्टिस की मूवमेंट जो उस वक्त महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई थी कि वन विलेज वन वेल, एक गांव एक कुआं, ये जो मूवमेंट महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई थी उसमें वो इन्वॉल्व हुए और तब से उनका समाज के प्रति देखने का नज़रिया बदल गया। 1989 में उन्होंने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की स्थापना की, कमिटी फॉर इरेडिक्शन ऑफ सुपरस्टिशन। इस समिति के तहत उन्होंने जो काम महाराष्ट्र में किए या फिर पूरे देश में किए, वो काम यही थे कि ना तो वो धर्म के खिलाफ थे ना तो वो भगवान के खिलाफ थे, वो थे धर्म के या फिर भगवान के और भक्त के बीच में चलने वाले ठेकेदारी के खिलाफ, वो थे आम जनता को ठगने वाले बाबाओं के खिलाफ। जो काम उन्होंने किए, बहुत सारे बाबा ऐसे थे जो खुद को भगवान मानते थे और खुद कुछ करिश्मे करते थे, जैसे कि उन्होंने जिन बाबाओं की पोल खोली वो कुछ ऐसे थे कि एक शाल वाले बाबा थे जो भक्त के पीठ पर शाल डालते थे, उसका सब दुख दर्द मिट जाता था। कुछ ईंट वाले बाबा थे जो ईंट से लोगों को मारते थे तो उनका दुख दर्द मिट जाता था। इन बाबाओं का, इन जैसे कई बाबाओं का भंडाफोड़ डॉक्टर दाभोलकर ने किया। एक विवेक का विचार, एक रैशनल थिंकिंग इन्होंने दी, लेकिन अफसोस 2003 में पहली बार इन्होंने महाराष्ट्र में जो एंटी ब्लैक मैजिक बिल था वो ड्राफ्ट किया था, लेकिन वो पास नहीं हो सका। इवन उसे नहीं पास कराया गया। लेकिन जब 20 अगस्त 2013 को पुणे में डॉक्टर दाभोलकर का खून कर दिया गया, उसके बाद 2 ही दिन में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये एक्ट जारी कर दिया, जिसे महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इराडिक्शन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर इनह्यूमन इविल एंड एगोहन प्रैक्टिस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 कहा जाता है। ये बहुत बड़ी एक क्रांति थी इस सब के खिलाफ। कुछ ऐसे बाबा आज भी है और हम कह सकते हैं कि हाल ही में उस बाबा के जन्मदिन पर एक राज्य के CM गए थे, बाबा के चरण स्पर्श किए और उन्होंने वहाँ पर कहा कि जब भी राजसत्ता ठिकाने पे नहीं रहती तो धर्म सत्ता उसको ठिकाने पे लाती है। तो उस वक्त मुझे लगा कि दाभोलकर का बलिदान क्या व्यर्थ गया। तो इस विचारों पर आधारित, इस साइंटिफिक थिंकिंग पे आधारित दाभोलकर के विचारों को आगे चलाने वाला ये मेमोरियल लेक्चर। अ लिटिल बिट अबाउट MM कालबुर्गी, ही वॉज बॉर्न ऑन 28 November 1938। He was an Indian scholar of Vachan Sahitya and an academic who served as a vice chancellor of Kannada University in Hampi. So he was awarded the National Sahitya Academy Award in 2006 for Marga. Marga is his notable work and a collection of all his research articles. Just like Dabholkar, Kalburgi was a progressive voice and he was a advocate of scientific thinking. Again, just like Dr. Dabholkar, he was shot dead last year on 30th August 2015 at his residence in Dharwad district in Karnataka. We have with us Dr. Sushil Joshi to talk about both these leaders and their ideologies. I'll take this opportunity to introduce Dr. Joshi. He has completed his PhD in chemistry from IIT Mumbai in 1982. He
He worked in Kishor Bharati, an organization which harbingered creative science education programs. He has been an active member of team that designed the Hoshangabad science teaching program and has written a book on it called Jashn-e-Taleem. Dr. Joshi has been a freelance writer, translator and editor, and he presently edits Sroth, a journal supported by Department of Science and Technology and published by Eklavya. So on behalf of APU community, I welcome Dr. Joshi to share with us some of his ideas and yeah, thank you. Thanks a lot. I would like to also welcome Dr. Rajaram sir. Sir, yeah, thank you. Thanks to the organizers of this lecture and Pupendra for thinking of me for this kind of role. I don't want to stand between you and the speaker whom we have all come to hear. Perhaps the fact that I'm associated with scientific research for a large part of my career and currently am teaching science and mathematics in the undergraduate program may be a reason, but the moment you hear the talk or even read the abstract, you'll realize it's not a very good reason, because one of the main points with which I thoroughly agree is that the word science has two very distinct meanings. One is as practiced by scientists in laboratories and universities. The other is scientific thinking, and the two may have nothing to do with each other, right? There are a lot of examples of irrational things that scientists do, and that's something this community has to admit. I'd just like to add, since the Anshraddha Nirmulan Samiti was mentioned, I had my personal encounter with this when I worked at Giant Meter Wave Radio Telescope Observatory in Khodar, a small village in Maharashtra, rural Maharashtra, near Narayangaon. And we had on February 28th a science festival, which was very well attended, 10,000, 20,000 people, mainly kids. And not just our own activities, but others used to come, including this organization. They would have a stall and they would demonstrate all these miracles. There'd be a young woman. So I went there to see the stall, and she had a wooden plank with nails on it. And one of the things that miracle workers do is to lie down on these nails. So she lay down on the nails, and as a physicist, I know that if you take your weight and divide it by the large number of nails, the pressure on each nail is not much. But then she invited me to lie down on it, and I'm happy to say I passed that test. But it was very impressive to see, in a very low-key manner, they debunked many of these miracles. The sad part is that even within our organization, there were people who said it hurt their religious feelings. So this is really a very complicated issue. And I really look forward, as much as all of you, to hearing our visitor and guest, Sushil Joshi, on this subject. Thoda mushkil ho gaya hai. क्योंकि क्या होता है कि ऐसा टाइम आने से आदमी को नींद आती है तो मेरे को भी थोड़ी आपको आप लोगों को भी आती होगी थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश किया तो चलेगा ना क्योंकि मेरे को हिंदी में थोड़ा आराम रहता है आपको शायद अंग्रेजी में थोड़ा आराम रहता है सी जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि बाबा लोग होते हैं चमत्कार होते हैं दुनिया में और बहुत सारे चमत्कार आप सब लोगों ने भी देखे होंगे मैंने तीन चार बड़े बड़े चमत्कार देखे मैं उनकी बात करूंगा और फिर जो अंधश्रद्धा सुपरस्टिशन को दूर करने के जो प्रयास हैं उसकी थोड़ी बात करूंगा और अल्टीमेटली मैं उसको थोड़ा साइंस एजुकेशन के संदर्भ में देखने की कोशिश करूंगा जो मेरे सामने दो तीन जो महाचमत्कार हुए हैं विच आई थिंक दे आर
they don't fit into any of these things. Jahan pe somebody will tell you that I have some great powers and will do things for you. So they don't fit into this paradigm of somebody doing a contractual service or a franchisee of God. That person doesn't act like a franchisee. Number one, आप में से कुछ लोगों का शायद उस समय जन्म नहीं हुआ होगा जब गणपति जी ने दूध पिया था. Somewhere in 96, I think. Suddenly one day, I and my friend were walking in the market in Hoshangabad and we wanted to have chai. So that chai wala said that we don't have milk. I said it's okay to have no milk in the evening, but in the afternoon, generally there is enough milk. He said no, that Ganpati ji is drinking all milk, so everybody has taken all the milk to Ganpati temples. So we rushed. And Ganpati ji was actually severing milk by buckets. And when it became too crowded, even Shivji started doing the same. And after some time, even the Nandi started. Nandi is the bullock in the front of the temple. He also started doing it. And everybody around had a container of milk, one spoon, going to a Ganpati temple, taking milk and feeding the Ganpati idol. And everybody was doing it. There was no one telling them how to do it. No one telling them that it is some, you know, God has appeared or something. Everyone just wanted to do it. This do-it-yourself miracle. I think there is nothing in history of miracles parallel to this. But everyone was doing it. And it had such an impact on everybody's psyche. The people science activist, they appeared on the TV channels and kept claiming that no, actually Ganpati is not drinking milk, it is because of surface tension or some other force that the milk is disappearing. So somebody told me that, okay, so Ganpati knows surface tension. What is your problem? So the faith in that act was so great that if you suggest that it is because of some cohesive force between milk and the, you know, the stone, they said, yes, so Ganpati can do it. He can understand cohesive forces, apply physics to drink milk. And by the evening, it was over. I think it went on for around 3 to 4 hours, and it was over. And the impact of this event, I don't know who was the gainer or who was the loser, like we generally have in such miracles, there are some gainers and some losers. In this, I don't know who was the gainer and who was the loser, except that a lot of milk was wasted. So it doesn't fit into that Baba theory. There is some Baba who would do, you know, claim to have direct contact with God, and you pay some amount or give some jewelries and he will get whatever you want to get done. The impact which I judged, my mother has a, you know, address book. On the first page of that, she wrote, "Aaj Bhagwan ne doodh piya." Now, it must have been a great event for her. It was a lifetime event that she wrote it there. So that is one. Two, you must have seen Nirmal Baba. There is a person called Nirmal Baba. He was a brick kiln owner in Haryana. Suddenly one day he decided that he can really help people in their distress. So he started giving advices. He came on TV channels, I think NDTV.
He was quite a simple man, although clad in very, you know, very shiny clothes, sitting on a huge sihasan. And in the hall, to enter that hall, every seat was booked something like 6 to 15,000 rupees. And halls were packed. Now this Nirmal Baba had two kinds of advices. One was for the general public. Buy a black leather purse, get a 10 rupee pack, that is 1,000 rupees, in a pack of 10 rupees notes, keep it in the purse, and when the TV show comes and Nirmal Bala appears, keep this purse open and blessings will flow into it. And I know many people who did it. They bought black purses from the market, went to the bank, got this 10 rupee note pack, kept it there. As soon as Nirmal Baba appeared, they will religiously open that and keep it there. And the second advice is that they have a money plant in your house. As the name suggests, it is money plant. If you keep it there, you will have money. And so many people, Nirmal Baba became very popular two years back. Then, if you have a special problem, for example, you are not getting a job, or you have lost your mobile, or your son doesn't behave, whatever, you go to his live show. Every town had a Nirmal Baba show, so they will book the hall, you pay for the seat and go there. And then you tell them that, okay, Baba, mere ko 20 jagah apply kiya hai, naukri nahi mili. So Baba will ask him, ki aap samosa khate ho kya? So you will say, yes, haan, samosa khate. Kaise khate ho? Hari chutney se khate ho ki lal chutney se khate ho? Baba jaisa bhi mil jaye kha lete hain. Bas yehi galti kar rahe ho. Agli baar samosa khana, hari chutney se khana, lal chutney ko dur rakh dena. Aur kripa aapke upar barasne lagegi. And to listen to this, this person has paid 15,000 rupees. Aur log majhe mein ja rahe the. And when things started, Nirmal Baba to lagta fraud hai. So there was an interview with Nirmal Baba, jisme the journalist asks him, ki Baba, aap to eent ka bhatta chalate the, abhi aapki property 210 crore rupi ki hai, ye kaise hua? To Nirmal Baba bolta hai, ki nahi, aapko galat jankari mili hai, meri property 230 crore rupi hai. And he says, sara white hai, main to check se leta hun paisa, maine cash kisi se nahi liya, mera bank account hai, which is advertised on the TV, usme jama karte hain log, maine sara tax bhara hai. Abhi ye to maan liya ki wo fraud hai, lekin ye baaki log kya hai, jo purse khol khol ke baithe hai ghar pe, aur soch rahe hain ki wo kripa bhar sake. So this is another kind of. अच्छा वो बाबा ने कभी नहीं बोला कि उन्होंने बड़ी तपस्या की है या उनको भगवान ने कहा है कि जाके संकट दूर करो दुनिया के. ही नेवर क्लेम नहीं सोचती. सिंपल मैंने जैसा बताया, किसी को समोसा खाने को बोला, किसी को विस्की सोडे के साथ पीने को बोल दिया, हाँ किसी को बोल दिया कि सुबह घूमने जाते हो तो दो रोटी साथ में लेके जाना, एक खुद खा लेना, एक गाय को खिला देना. मैं सो सिंपल, कोई भी कर सकता है. मैं भी बोल सकता हूँ अभी कि आप अपना चश्मे का फ्रेम बदल दीजिए, कृपा बरसने लगेगी, आपको कुछ खर्च भी नहीं करना है, 200-400 रुपया खर्च होगा. सो दिस इज अनादर, जिससे समझ में नहीं आता है कि हम क्या तैयार बैठे बेवकूफ बनने को. मतलब क्लियर था वो बेवकूफ बना रहा है. वो जब शो खत्म होता तो कई लोग बोलते भी थे, आज अच्छा बेवकूफ बनाया, लेकिन कल फिर पर्स खोल के बैठ जाते थे. व्हाट डू यू डू? ऐसा क्यों? तो ये दूसरे नंबर का है. तीसरा, ये जो महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, इसके साथ तो मेरा ज्यादा
संपर्क नहीं हुआ, पर महाराष्ट्र में बम्बई में एक लोक विज्ञान संगठन है, आई हैड फेयरली गुड इंटरेक्शन विद देम. वो लोग ये सब करते थे, हाथ में से भभूत निकालना, ऐसा करके फूल पैदा कर देना, या वो जबान में तार घुसा के दिखाना, वो सब करते थे और बोलते थे तो वो बाबा लोग ये सिंपल ट्रिक्स हैं, दे कैन बी डन बाई एनी वन, और ये बाबा लोग करके तुमको बेवकूफ बनाते, तुमसे कुछ भी करवा लेते. तो एक गांव में जब वो ये कर रहे थे तो वो क्या करते थे, एक व्यक्ति को अच्छा दाढ़ी वाड़ी लगा के भगवा पहना के बिठा देते थे, वो सभी करके दिखाता था और फिर उसका भंडा फोड़ करते थे. तो वो गांव के एक आदमी ने उनका कि हाँ सही, तुमने बिल्कुल सही किया, झूठे बाबाओं का भंडा फोड़ होना ही चाहिए, पर हमारे गांव में एक सच्चा वाला है, वो जो भभूत निकालता है ना उससे सच्ची में फायदा होता है. तो ये सब करके सारा भंडा फोड़ करके अल्टीमेटली दिस पर्सन बिलीव कि ये वाला बाबा तो झूठा है, पर वी हैव ए गुड वन. इस सीरीज में जो सबसे महान हुए वो सत्य साई बाबा, घड़ी निकालते थे, और वो थोड़ा मैंने सुना है कि भक्त की हैसियत को देख के चीज़ें निकलती थी, किसी के लिए भभूत निकलती थी, किसी के लिए पेड़ा निकलता था, किसी के लिए घड़ी निकलती थी, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी ताकत क्या है, आप हैं कौन. पर देखिए कितने साल तक चला, अभी तक मेरे ख्याल में नोट गिन के पूरे नहीं हुए. तो वहाँ भी क्या लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ऐसी घड़ियाँ पैदा नहीं होती. अभी नीचे सवाल पूछ रहे थे कि यदि पैसे की बारिश आप करवा सकते हो तो देश में गरीबी क्यों है, क्यों तुअर दाल इतनी महंगी हो गई, क्यों कम हो गई, दो चार बोरे निकाल ही देते तुअर दाल. पर ये सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, जब बाबा सामने होता है तब ये सवाल नहीं पूछा जाता, क्यों. तो ये जो कुछ है, फिर एक और मैं बताता हूँ, वो कहीं के चर्च में क्राइस्ट रोने लगे थे, कुछ आंसू आंसू टपक गए, कुछ हुआ. मेरे घर पे पिताजी का फोटो लगा हुआ है, उसमें से पानी गिरने लगा, तो माँ ने मेरे को बोला कि वो शर्मा जी को बुलाना, दीवार के पीछे का प्लास्टर उखड़ गया है, ठीक करवाना है. उन्होंने नहीं बोला कि पिताजी रो रहे हैं या भगवान में सुधर गए, लेकिन जैसे ही वो क्राइस्ट के मूर्ति में से दो चार पानी की बूंद निकल गई, कोई नहीं सोचता कि प्लम्बिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों. इन दो तरह की परिस्थितियां हैं, एक जगह आप सोचते हो कि हाँ प्लम्बिंग का प्रॉब्लम है, ये पानी पीछे से आ रहा है, वो दीवार ठीक नहीं है, पड़ोसी से लड़ लोगे कि तुम ठीक नहीं कराते हो इसलिए हमारे घर में पानी आता है. लेकिन चर्च में होता है, मदर मैरी को यहाँ से कुछ निकल आता है तो वो रो रही है, आंसू खून के आंसू टपक रहे हैं, आखिर ये क्यों ये स्थिति है, ये मुख्य सवाल है. इसमें मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में वो कानून बन गया है, लेकिन क्या फायदा हुआ उस कानून को बना के, मतलब चीटिंग के खिलाफ, धोखाधड़ी के खिलाफ वी ऑलरेडी हैव इनफ लॉस, एनीबडी कैन बी कॉट एंड ट्राइड इन द कोर्ट फॉर चीटिंग, एंड दिस इज चीटिंग, सिंपल चीटिंग, कि कोई बोले कि 1 करोड़ रुपया मेरे को 2 में 2 करोड़ कर दूंगा, सिंपल चीटिंग. पर वो कानून लागू करते नहीं, अब अलग से एक धार्मिक चीटिंग का कानून क्या जरूरी है. सो एक तो ये है कि क्या वो कानून इतना इम्पोर्टेंट है जिसको लगवाने के लिए, पास करवाने के लिए इतना प्रयास किया और आखिर मिला क्या, इस पे मैं आता हूँ. उसके बीच में मैं दो बातें और करना चाहूँगा. काफ़ी ये होता है कि बहुत सारे लोग एंड स्पेशली इन केस ऑफ हेल्थ बहुत सुपरस्टिशंस माने जाते हैं, लोग झाड़ फूँक करवाएंगे, पीलिया होने से एक माला पहनेंगे जो लंबी होती जाएगी, हाथ धोने से पीला पीला पानी निकलेगा तो वो पीला निकल गया, देखो पीलिया निकल जा रहा है, टाइफाइड होने से
कुछ और वो एक माला पहनते हैं उसके मोती जब वो ढीले पड़ जाएंगे तो टाइफाइड दूर हो गया है वगैरह वगैरह. या घर में कोई पागल हो जाता है तो उसका ले जाके भूत भूत उतरवाना, प्रेत बाधा दूर करवाना, ये काफ़ी कॉमन बातें हैं. और इसको ऐसा मानते हैं कि ये इग्नोरेंस या अकल नहीं है, अनपढ़ है, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं. पर जो पढ़े लिखे लोगों के सामने ऑप्शन है, व्हाट इज दैट ऑप्शन? जिन लोगों के बच्चे हैं उनको पता है कि बच्चे को जुकाम होने से आजकल खर्चा 15,000 से 20,000 रुपये होता है. बच्चा बारिश में खेल के आ जाए और जुकाम हो गया तो आप समझिए 15,000-20,000 तो गए, क्योंकि 2-3 तो टेस्ट होंगे, ब्लड प्रोफाइल कर ही लो. अब बच्चा है तो क्या हुआ, करने में कोई बुराई नहीं, ब्लड प्रोफाइल तो कर ही लेते हैं, एक्सरे निकाल लो, एक्सरे से कुछ पता नहीं तो स्कैन करवा लेते हैं. सो ये ऑप्शन वर्सेस उस बच्चे को थोड़ा धुआं वुआ दिखा के कर दो, दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल. तो एक तो इस मामले में खासतौर पे जहां पे कि लोग अपनी हैसियत से ज्यादा करने की जब बात आती है तो फिर ऑप्शंस का चॉइस सिर्फ नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग के आधार पे नहीं होता. और ये लगातार आप देखो कि हेल्थ सिस्टम बहुत महंगा हो गया है, मेंटल हेल्थ सिस्टम इज नॉन एग्जिस्टेंट, और अब तो गवर्नमेंट ने रोल बैक शुरू कर दिया है, धीरे धीरे सरकारी अस्पताल कम करते जाएंगे. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? आइदर द झाड़फूक, द क्वैक्स और प्राइवेट सेक्टर. तो एक तरफ कुआ है, दूसरी तरफ खाई है, अब जिधर कूदना है कूद लो. बीच में कुछ मिडिल ग्राउंड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम इज बीइंग वाउंड अप. तो ऐसी स्थिति में इसको सुपरस्टिशन बोलना मुझे थोड़ा सा मतलब मन में बुरा लगता है कि एक व्यक्ति की मजबूरी को सुपरस्टिशन हम बोल दें, वो क्या ठीक है? हालांकि आप देखोगे कि पिछले कुछ सालों में, या मेरे ख्याल में पिछले 20 सालों में, द नंबर ऑफ डिसीजेस फॉर विच ए पर्सन सीक्स झाड़फू हैव रिड्यूस क्वाइट अ बिट. अब काफ़ी बीमारियों के लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जाने लगे, डिमांड बढ़ी हेल्थ की, तब तय हुआ कि अब जो है गवर्नमेंट सिस्टम को हम लपेटेंगे और प्राइवेट सेक्टर को, जिस भी नाम से, कहीं कहीं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप उसमें दे दिया, कहीं पे सरकारी अस्पताल काम ही नहीं करते हैं तो प्राइवेट प्रैक्टिस, ये सब करके वी आर एक्चुअली मेकिंग कंडीशंस फिट फॉर आइदर इल हेल्थ और झाड़फूक. उसमें खासतौर पे मेंटल हेल्थ की स्थिति बहुत खराब है. इस वक्त हिंदुस्तान में करीब, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड फैमिली हेल्थ सर्वे, 20% population suffers from some or other mental health problem. Or psychiatrist is known only in the medical college hospitals. District level hospitals don't have psychiatrist. तो अब ऐसे में वो व्यक्ति क्या करेगा? वो पागल बोल के चलो इसको भूत लग गया है चलो उतार देंगे, कई मामलों में उतर भी जाता है, क्या करेंगे? वो लोक विज्ञान संगठन ने एक केस का इन्वेस्टिगेशन किया था, वो मैं आपको बताता हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. वो एक लड़की थी, वो उसको कुछ प्रेत बाधा हो गई, शी कुड डिटेक्ट सिटिंग एनीवेयर इन द हाउस कि द गोस्ट हैज डेफिकेटेड समवेयर इन द हाउस, सो इट वॉज ए बिग प्रॉब्लम. That girl was around 14 years and she would sit somewhere
and suddenly say that, okay, now that ghost has defecated. So they would ask her, kahan kiya? And she would point out, ki wahan kiya hai. Thank you. They will go and find out that, yes, mahi kiya hai. And it happened every 2 or 3 days once this would happen. Now this, one of the family members was a friend of Lok Vigyan Sangathan. So they thought that we must investigate it. It's a classic case. So they went to the house and asked that girl, how do you come to know if the ghost has defecated? So first she said, I don't know how do I come to know, etc. But baad mein bataya ki mere ko apne haathon mein gand aati hai. To mujhe pata chal jata hai ki usne kahin na kahin wo tatti kiya. Phir kaise pata chalta hai kahan kiya hai? To wo boli wo waise hi mere ko man mein aisa lagta hai ki wahan kiya hoga. Aur wahi hota hai. So this Lok Vigyan people thought that ye haath mein gand aana matlab ki she herself is doing it. Wo khud karti hai kahin pe aur haath se saaf waaf karti hogi to thodi der baad gand aati hai to usko pata chalta hai ki kahin kya hai. She doesn't remember ki usne khud kiya hai. So she thinks he bhoot ne kiya hai. Ab ye to usko pata hai kahan kiya hai. To after some time she also remembers ki kahan hua hai. So they thought ki ये तो पता करना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रही है ये लड़की और इसको तो साइकेट्रिस्ट की जरूरत है. धीरे धीरे ये भी पता चला कि इस लड़की की बहन की डेथ हुई थी और तब से वो जो जीजा था इसका द ब्रदर इन लॉ वो इसको काफ़ी प्रेशराइज करता था फॉर मेकिंग सेक्सुअल रिलेशनशिप. तो ये उसको घर से बाहर करना चाहती थी एंड ए पैटर्न वॉज फाउंड कि हर बार वो जब भी डिफिकेट करती थी तो वो जीजा के किसी चीज़ पे ही करती थी और वो आता था उसी दिन होता था. कभी उसके बैग पे, कभी उसका जूता रखा है उस पर करती थी. सो ए पैटर्न वॉज फाउंड. अभी उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले गए. फैमिली ने बोला नहीं नहीं ये तो भूत प्रेत हम कर लेंगे. पर लोक विज्ञान पीपल सेट कि नो शी नीड्स साइकेट्रिक हेल्प, शी नीड्स टू ओवरकम दिस एंड फेस दैट पर्सन. सो दे वेंट टू बॉम्बे म्यूनिसिपल हॉस्पिटल. वहाँ पे जैसे ही पहुँचे हैं वो पर्ची कटी एंड दे सेड इसको पागल वार्ड पे भेज देना. अभी दैट फैमिली वॉज टेकन अ बैक. दे सेड हमारी लड़की पागल नहीं है, शी वुड गो टू द मैड पीपल्स वार्ड और वापिस आ गए. बट दैट इज द कंडीशन एवरीवेयर इन अवर मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज. उनको पागल समझते हैं. पागल की बजाय भूत प्रेत आया वो मानना ज़्यादा सम्मानजनक लगता है. इट्स मोर रिस्पेक्टेबल टू हैव ए भूत एफ्लिक्टिंग यू देन बीइंग पागल. पागलों को तो शादी भी नहीं होगी, भूत तो उतार सकते हैं. तो ये हेल्थ के बारे में देर आर मेनी सच प्रॉब्लम्स जहाँ पे कि ऑप्शंस आर आइदर डिफिकल्ट और अनअवेलेबल और एक्सपेंसिव और इसलिए दूसरा सिस्टम चलता रहता है. और वो उसको हटा देने से पीपल विल लूज ए ग्रेट वेपन इन देयर हैंड्स, ए टूल जिससे वो इससे डील कर सकते. नहीं तो डील कैसे करेंगे, पागलपन से कैसे डील करेंगे, वो अजीब अजीब व्यवहार करता है कोई व्यक्ति कैसे डील करेंगे. सो देयर इज सम वे ऑफ डीलिंग विद इट. दैट सेड एंड डन. अभी मैं इस बात को खास थोड़ा सा कहना चाहूँगा, उसके बाद आई थिंक वी विल स्टार्ट ओपन सेशन. ये जो प्रॉब्लम है कि लोग ऐसी बातों पे भरोसा करने को तैयार हैं. जैसे वो नीचे नाटक में उसको अंतर ज्ञान हो रहा था. अभी अंतर ज्ञान पे भरोसा करने को तैयार है, साइंस वाइंस पढ़े हैं, पर जो जितना मैंने देखा है न्यूटन को नियम जो प्राप्त हुआ था वो एक एप्पल सिर पे गिरने से मिल गया था. वो भी अंतर्ज्ञान ही है ना.
न्यूटन को अंतर्ज्ञान हुआ, बाबा को अंतर्ज्ञान हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस? और हमारी साइंस टीचिंग इज फुल ऑफ अंतर्ज्ञान. सबको अंतर्ज्ञान होता रहता है. केकुले ने सपने में बेंजीन की स्ट्रक्चर देख ली. ऐसे आप देखोगे तमाम आपको एग्जाम्पल मिलेंगे ऑफ रेवल्यूशन. रात के अंधेरे में चांद को देखा और उसको एकदम क्वांटम मैकेनिक्स याद आ गई. हाँ, दैट आवर टेक्स्ट बुक्स आर रिटन एग्जैक्टली इन दिस मैनर. तो अभी एक एक्सप्लेनेशन है कि भाई पृथ्वी घूमती है, सूरज अपनी जगह स्थिर है तो पृथ्वी घूमती रहती है. दूसरा है कि वो सूरज घूमता है पृथ्वी के आसपास, पृथ्वी स्थिर है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एक्सप्लेनेशंस ऑफ दिस? कोई अंतर दिखता नहीं है. कभी हमको बताया भी नहीं कि क्यों इसको मानना है, इसको नहीं मानना है. हाँ, ये वैज्ञानिकों ने कहा है. आजकल वैज्ञानिकों की बड़ी दादागिरी है. वैज्ञानिकों ने कहा है तो मान लो भैया. तो ये जो दो किस्म के एक्सप्लेनेशंस होते हैं उसमें से किसको माने ये तय करना तो हमने सिखाया ही नहीं. तो फॉरगेट अबाउट जो बोलते हैं रैशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह, वो तो छोड़ दें. थिंकिंग ही नहीं हो रहा है. ये हो रहा है कि भाई न्यूटन महान थे, बचपन से ही वो बहुत महान थे. जितने आप वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे वो बचपन से ही महान रहते. तो ये जो लिखने का तरीका है, जो पढ़ाने का तरीका है, उसमें तो निहित है कि इट इज अनदर रिलीजन. जहाँ पे कि अलग किस्म के लोगों को रिवेलेशंस होते हैं, नूर प्राप्त होता है या वेदवाणी कान में बरसती है. वो वैसी की वैसी उधर भी बरसती, इधर भी बरसती. अब दो बरसात हो रही है, किसमें भीगो ये अपनी मर्जी पे है. आज इसमें भीग लो, कल उसमें भीग लेंगे. और लोग अक्सर ऐसा ही करते. क्यों एक को माना जाए दूसरे को नहीं, ये हमारी किताबें नहीं बताती. हमारी साइंस एजुकेशन में काफ़ी ऊंचे स्तर तक भी वी नेवर डिस्कस दिस क्वेश्चन ऑफ कि व्हाई इज वन एक्सप्लेनेशन मोर एक्सेप्टेबल देन द अदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एक्सप्लेनेशंस, ये कभी नहीं होता. दूसरा, जिस ढंग से हम विज्ञान पढ़े हैं और जिस ढंग से हमने विज्ञान के बारे में पढ़ा है, विज्ञान के बारे में बताते हैं कि वो जिज्ञासा होती है, देर इज क्यूरियोसिटी एंड देन देर आर क्वेश्चंस एंड देन सम पीपल इन्वेस्टिगेट दोज क्वेश्चन, डू एक्सपेरिमेंट, डू ऑब्जर्वेशंस एंड कम टू सम कंक्लूजन, दैट टेस्ट दैट कंक्लूजन अगेंस्ट न्यू सेट ऑफ फैक्ट्स वगैरह वगैरह. लेकिन किताब में कभी नहीं होता कि ये जो ज्ञान दिया हुआ है वहाँ वो किस सवाल के जवाब में आया था. व्हाट वाज द क्वेश्चन विच लेड टू ऑल दिस? क्यों न्यूटन के दिमाग में गुरुत्वाकर्षण का नियम आया? क्या सवाल पूछा था उन्होंने प्रकृति के बारे में? क्यों हम पंच तत्व पे नहीं रुके, क्यों हम आगे बढ़े? क्या सवाल थे? वो सवाल तो हमको कभी नहीं बताते. मेरे ख्याल में हम में से अधिकांश लोग शायद जिन्होंने साइंस पढ़ा भी होगा उनको पता नहीं कि उन टेक्स्ट बुक में जो कुछ लिखा है वो किन सवालों का जवाब है. जवाब है, खूब सारे जवाब हैं. तो ये दूसरी समस्या है. नंबर एक समस्या है कि एक्सप्लेनेशंस में क्या अंतर है वो हमने कभी बात नहीं की है. दूसरी समस्या है कि वो एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही क्यों पड़ी, उसकी बात नहीं है. क्या वैज्ञानिकों ने, किस वैज्ञानिक ने कब क्या सवाल पूछा था वो भी नहीं है. और इसलिए जब विज्ञान के नाम पे कोई भी आप दावा कर दीजिए, देयर इज नो वे ऑफ चेकिंग इट. तो जैसे आप, यदि मुझे पता नहीं आप लोग ये सरकारी बस वस में कितना घूमते हैं, वहाँ पे एक वो किताब बेचने वाला आता है. वो आके बोलेगा कि अभी आपके बस को छूटने में टाइम है और तब तक मैं आपको ये दिखा रहा हूँ और कंपनी की ओर से ये मिल रही है वगैरह. तो उसमें एक किताब बिकती है, क्यों और कैसे. यदि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको सचमुच रिवेलेशन होगा. और अगेन मेनी पीपल आर टेकन अप बाय दैट.
विज्ञान के नाम पे आप कुछ भी कह सकते हैं, जनेऊ क्यों पहनते हैं, ये सवाल उसमें उसका जवाब दिया है, सिंदूर क्यों लगाती हैं औरतें, चोटी क्यों रखते हैं, मतलब लड़के नहीं लड़के भी चोटी क्यों रखते हैं, ब्राह्मण लोग रखते हैं खासतौर पे, नदी में पैसे क्यों फेंकते हैं, पीपल की पूजा क्यों करते हैं, वगैरह वगैरह तमाम सवालों के जवाब, सब एकदम वैज्ञानिक जवाब है। सिंदूर में ऐसे रसायन होते हैं जिससे कि दिमाग शांत रहता है, इसलिए वो महिलाओं को लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो तो उत्पात मचा देंगी। आपने देखा ये सारे उत्पात उन्होंने मचाए जिन्होंने सिंदूर नहीं लगाया था। तो जनेऊ पहनते हैं क्योंकि वो हमेशा, एक तो उसके थोड़े से फनी एक्सप्लेनेशन भी है कि चाबी लगाने के काम आती है, पर उसको कान पे चढ़ा लेते हैं, उससे आपको जो है यूरिनेशन में बहुत कंफर्ट होता है। पीपल की पूजा करते हैं क्योंकि पीपल तो कमाल का पेड़ है, वो दिन में भी ऑक्सीजन छोड़ता है रात में भी। तो पर अगेन यू विल फाइंड दैट नोबडी क्वेश्चंस दिस एक्सप्लेनेशंस, क्योंकि ठीक लगता है ना, ऑक्सीजन है, अब पेड़ दिन में छोड़ते हैं, चलो पीपल रात को छोड़ता होगा, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो जब फोटोसिंथेसिस सिखा रहे थे तब कभी नहीं बताया कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है विच डिपेंड्स क्रूशियली ऑन प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड इफ देर इज नो लाइट फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस एंड यू विल नॉट गेट ऑक्सीजन फ्रॉम दैट प्लांट, ये नहीं बताया। हमारे रिसर्च वाले लोग करते रहते हैं, वो कभी बताते नहीं लोगों को कि हमने क्या रिसर्च की, इसलिए वो एक प्रहलाद जानी नाम का आदमी है, वो आके क्लेम करता है कि मैंने 60 साल से न कुछ खाया है न पिया है, और वो भरोसा कर लेते लोग, हाँ हो सकता है, अरे कैसे हो सकता है यार, न कुछ खाता है न पानी तक नहीं पीता है और मस्त सब काम कर रहा है, और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उस व्यक्ति पे रिसर्च कर रहा है ताकि अपने फौजियों को मुश्किल परिस्थितियों में जीना सिखा सके। मतलब यदि डिफेंस रिसर्च के लोग ये बातें कर सकते हैं तो आम लोगों को क्या बोलना, अच्छा ही है प्रहलाद जानी बिना खाए जी रहा है, तो इस देश की भुखमरी की समस्या का सोल्यूशन तो मिल ही गया, जितने लोग हैं वो बिना खाने पिए रह सकते हैं, सो द गवर्नमेंट डजंट हैव टू बदर। तो ये जो एक समस्या है हमारी साइंस एजुकेशन की, जो ये नहीं बताती कि कोई हमारे पास ज्ञान कैसे आता है, ये नहीं बताती उस ज्ञान में और बाकी ज्ञान में क्या अंतर है, ये नहीं बताती कि ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है हमने इतिहास में समय समय पे अलग अलग सवाल पूछे थे, उन सवालों की खोजबीन की थी और उसमें से निकला है, ये तीन चीज़ें हमारी विज्ञान शिक्षा नहीं बताती। और आखिरी एक मकर संक्रांति नाम का बड़ा पर्व होता है, पूरे देश में मनाया जाता है, लगभग पोंगल नाम से कहीं मनाते हैं कहीं मकर संक्रांति। मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब अब नहीं है, वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे, तो मुझे आश्चर्य होता था कि बाकी त्यौहार हिंदुओं के दिन बदलते रहते, एक मकर संक्रांति है जो 14 जनवरी को ही आता है, तो मैं उनसे जानना चाहता था ऐसा क्यों है। तो वो बोले वो सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है और उस दिन मकर संक्रांति होती है, मकर राशि में प्रवेश सूर्य कर रहा है इसलिए वो सूर्य की तिथि के हिसाब से होती है, इसलिए वो एक ही दिन आएगी। मैं थोड़े दिन बाद देखा कि नहीं, सूर्य मकर राशि में प्रवेश 23 जनवरी को करते हैं। फिर मैं पहुंच गया, मैंने बोला नहीं भाई साहब आप कुछ गलत हुआ है, वो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करने का काम तो 23 जनवरी को किया जाता है। बोले हाँ वो तू सही बोल रहा है, तू मेरे को भी याद आ गया, सूर्य मकर रेखा पे होता है उस दिन, इसलिए फिर मकर संक्रांति 14 जनवरी को होती है। तो मैं पूछा कैसे पता चलता है मकर रेखा पे है, कि उस दिन सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। मैंने बोला यार ये तो मेरे को मालूम है कि 22 दिसंबर को होता है, सबसे छोटा दिन तो 22 दिसंबर को होता है, फिर ये मकर संक्रांति 14 जनवरी कहाँ से आ गया।
बोले नहीं यार वो सब छोड़ दे, वो तू बहुत फिजिक्स फिजिक्स कर रहा है, वो मकर संक्रांति 14 को आती है. नाउ देयर कैन बी टू रीजंस. वन, ही इज हैप्पी विथ 14 जनवरी एंड आई डोंट माइंड. कोई तो फेस्टिवल मनाना है मना लो. पर मैंने सोचा कि ये सारे हिंदू लोग जो कभी सभी तो नहाते हैं, त्यौहार व्यौहार को नहाते हैं, मकर संक्रांति वो या तो ये मान के नहा रहे हैं कि सूर्य मकर रेखा में मकर राशि में प्रवेश करता है, या इसलिए नहा रहे हैं क्योंकि मकर रेखा को छू लेता है तो जितना पुण्य मिलना चाहिए नहीं मिलेगा. गलत दिन नहा रहे हैं, सही दिन तो नहाएं गरीब. ठंडे ठंडे पानी, जनवरी में कितना ठंडा पानी रहता है, ठंडे ठंडे पानी में जाके डुबकी लगा रहे हैं, वो भी गलत दिन. तो मैं सोचा कि इसको करना चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि जब फिजिक्स में ये सब पढ़ाया जाता है, खासतौर पर एस्ट्रोफिजिक्स में, सो यू नेवर एंगेज विद दिस क्वेश्चन विच इज सच ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस, कि वो पर्व किस दिन होता है. वी नेवर एंगेज विद इट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट एंगेज विद एनी ऑफ द एवरीडे क्वेश्चन इन साइंस क्लास. उसको छोड़ के हम थोड़ा सैनिटाइज रखते हैं अपने साइंस एजुकेशन को. वो लाने से तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा, देर माइट बी डिफरिंग ओपिनियंस, माइट बी देर विल बी नो सिंगल आंसर, सो वी कीप देम असाइड. जाने दो, अपने को तो अपना फार्मूला कर लो, अपना न्यूमेरिकल्स कर लो और चलने दो. एंड दैट आई थिंक इज बिग प्रॉब्लम, नो एंगेजमेंट विद एवरीडे लाइफ. सो इन एवरीबडीज माइंड there are two kinds of answers, one for the science classroom and one for the outside. Hamare bahut sare uttar hain jo dono jagah alag alag chalte hain, aur iska mukhya karan hai ki jo professor Yashpal kaha karte hain ki ye jo science education hai, it is not merely learning of topics ki aapne heat के बारे में सीख लिया और थर्मोडायनामिक का लॉ 1, 2, 3 पढ़ लिया, नहीं 1, 2, 3 नहीं 0, 1, 2 पढ़ लिया वगैरह वगैरह, आपने ऑप्टिक्स पढ़ लिया, सिर्फ उतना नहीं है. इट्स ए एंगेजमेंट विथ ए कल्चर. उनका कहना है कि यदि साइंस एजुकेशन अच्छे से की जाए सो इट शुड रिवोल्यूशनराइज पीपल्स लाइफ्स. उनको उनके कई चीज़ों को चैलेंज होगा, कई चीज़ों की शायद कन्फर्मेशन हो, कई चीज़ों को समझने में दिक्कत आएगी, कई बिलीफ्स पता नहीं चलेंगे कि वो कहाँ से आए हैं. पर यू हैव टू हैव ए डायलॉग विद दैट कल्चर. विदाउट दैट डायलॉग आप अपना करते रहिए, वो अपना करते रहेंगे. एंड आई थिंक दैट इज द लास्ट एंड फाइनल प्रॉब्लम विद साइंस एजुकेशन. थैंक यू. Thank you so much. The floor is open for the question and answers. Well, I would request to introduce yourself because this program is live streaming and recorded, with your name and program. My name is Ashutosh and I'm a student of development. मेरा सवाल ये है कि धार्मिक होना आध्यात्मिक होने से कैसे भिन्न है? How do I differentiate between the idea of being religious and being spiritual? और आपने वार्तालाप में जैसा बात किया है कि जो religious ये जो rituals हैं और ये जो spiritual leaders जो अपना बात फैलाते हैं अलग अलग टीवी माध्यम से, इसका क्या मतलब reason है? क्या धार्मिक factor यहाँ responsible है या फिर आध्यात्मिक factor responsible है इस चीज़ के लिए? देखिए, वैसे ये मेरे थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, अध्यात्म और धर्म में क्या अंतर है वो मेरे ख्याल में अमन मदान ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे. मुझे ऐसा लगता है कि धर्म का संबंध बेसिकली कुछ डूज एंड डोंट्स से होता है, ये करो ये मत करो.
और अध्यात्म का ज़्यादा संबंध इस बात से है कि ये दुनिया से बाहर कुछ एक शक्ति है, उससे जुड़ना है। वो जुड़ने के लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं, पर जब धर्म की बात आती है तो वो तरीके भी फिक्स हैं, उन्हीं तरीकों से आपको वो रिश्ता बनाना पड़ेगा, जिसके खिलाफ जो हम बात की है कि जो मिडिल मैन है वो होना चाहिए। सभी धर्मों में मिडिल मैन को मान के चलते हैं, वो होगा तभी आपकी बातचीत हो सकती है। कौन से रिचुअल करने से क्या बातचीत होगी वो सब तय है। इसलिए धर्म इस क्या कहें, मतलब इट माइट बी वेरी लूज स्टेटमेंट टू से कि धर्म इज टेक्नोलॉजी ऑफ अध्यात्म, और एक टेक्नोलॉजी है। अब जहाँ तक ये सवाल है कि लोग धार्मिक कथन क्यों देते हैं, हमेशा उल्लू बनाने के लिए नहीं देते। कई बार वो हो सकता है गलत मानते हों, कई बार हो सकता है मालूम हो कि ये गलत है फिर भी अच्छा लगता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारी फैमिली में लास्ट ईयर में 3 डेथ्स हुई, और तीनों बार मैं काफ़ी खिलाफ था कि ये क्या पिंडदान विंडदान कर रहे हो, पर यदि वो कर रहे हैं तो आई एम विद देम, वो जो भी करना चाहते हैं मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, मेरी फैमिली है। तो वो करता था, पंडित आता था, वो चावल के गोले वोले बनाएगा, लाइन से लगाएगा, एंड देन ही वुड से समथिंग जिससे कि वो जो चावल के गोले जमे हुए हैं इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए वर्चुअल बॉडी, मतलब वो जो व्यक्ति की डेथ हो चुकी है उसकी फिर से एक बार यहाँ पे वो रिक्रिएट करता है उसको, फिर इसकी पूजा वूजा होती है और फिर अंत में उसको जल में विसर्जित कर देते हैं। अब मेरे को लगा इसका कोई मतलब नहीं है, वो व्यक्ति चला गया, अब क्या रिक्रिएशन वगैरह, पर बाकी परिवार को लगा कि उससे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो शायद उनको भी मालूम है कि ये कोई बॉडी रिक्रिएट नहीं होती और कोई वो वापस नहीं आता है, पर अच्छा लगता है। और कई बार जो रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस हैं वो काफ़ी शांतिदायक होते हैं, काफ़ी एस्थेटिकली प्लीजिंग होते हैं। जैसे अभी बहुत साल पहले सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की कुछ बातचीत हुई थी कि अभी साइंस की क्लास में आप क्या बोलेंगे कि वो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ जाती है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है, और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पे पड़ जाती है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, हो गया खत्म। अब इतने से मन नहीं भरता, क्यों लग जाती है छाया? वो अमावस्या के दिन तीनों एक लाइन में होते हैं इसलिए लग जाती है, तो हर अमावस्या को क्यों नहीं लगती? फिर वो बोलेंगे नहीं वो थोड़ा ऐसा ऐसा कुछ ऑर्बिट ऑर्बिट झुका हुआ है, कुछ कुछ करेंगे। लेकिन अभी आप इसी की एक वैकल्पिक व्याख्या सुनिए, एक बार चंद्रमा जो है सूरज जो है चंद्रमा से मिलने को आया, दोनों भाई 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 हैं, तो चंद्रमा के घर पे कुछ खिलाने को नहीं था, तो वो जो है जाके राहु और केतु से थोड़ा चावल उधार लेके आया, सूरज को खुश कर दिया, सूरज अपना चला गया। अब जब भी राहु केतु को याद आ जाता है कि इसने हमसे उधार लिया था तो उधार वापस मांगने आ जाते, और जब उधार मांगने को आते हैं तो ग्रहण लग जाता है। नाउ दिस माइट बी रॉन्ग बट इज एस्थेटिक सो ब्यूटिफुल, कितना अच्छा लगता है सोच के ना कि वो चांद और राहु और केतु वो कुछ चाहते हैं करना, उनकी ऐसी इच्छा है करने की। और ये मुझे लगता है कि मनुष्य को किसी भी चीज़ के पीछे इंटेंशन का होना, किसी एजेंसी का होना सुभाता है। इसीलिए हम हमेशा सोचते हैं कि यार मेरी टांग टूटी, उसने केला का छिलका डाला होगा, केले का छिलका उधर था आपका पैर फिसल गया, पर आप किसने डाला? आपको सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये लगता है किसने वो छिलका फेंका। सेम थिंग ग्रहण लगता है तो किसने लगाया? ऐसा हुआ हमारे घर पे 3 बार वो गिर चुका है पटिया, किसी ने तो गिराया। तो इसमें एक बड़ी बात यह है कि जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है दे आर डिवॉइड ऑफ एनी इंटेंशंस, दे डोंट हैव एनी इंटेंशंस। सूरज पृथ्वी ये लोग ऐसा चाहते नहीं कि एक दूसरे को खींचे, इट्स जस्ट ए फोर्स,
which happens to be associated with mass. If there is mass, there will be gravitational force. You cannot stop it from having gravitational force if there is a mass. But abhi yadi isko sundar banana hai to jis cheez mein zyada prithvi tatva hai wo cheez chahti hai prithvi ke paas aana. Isliye bhari cheez jaldi girti hai, halki cheez dheere dheere girti hai, kyunki halki cheez mein prithvi tatva kam hai. Aap ek pankh aur ek lohe ka gola gira ke dekh lijiye, pankh dheere dheere girega, lohe ka gola jaldi girega, kyunki lohe ke gole mein zyada prithvi tatva hai, prithvi ke paas aana chahta hai. पंख में थोड़ा कम है तो धीरे धीरे आएगा, उसको आने की कोई जल्दी नहीं है, उसमें वायु तत्व ज़्यादा है इसलिए वो वायु में रहना चाहता है. तो ये जो चाहना, इच्छा, मंशा, ये विज्ञान के दायरे के में नहीं आ पाते और इसलिए वो इतना मन को भाता नहीं है. मन को भाते हैं वो व्याख्या है जिसमें कोई एजेंसी हो, कोई इंटेंशनल एजेंसी हो, वो अच्छा लगता है. इसलिए शायद लोगों को वो एक्सप्लेनेशन ज्यादा अच्छे लगते हैं. माइक दीजिए ना इनको. एस्ट्रोलॉजी और जो ये अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, इसमें कोई कनेक्शन है या फिर सर दोनों अलग अलग हैं? देखिए, क्योंकि बहुत सारी बुक्स भी आती हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर और बहुत सारे शोज भी आते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ये सारी चीज़ें, तो ये कहाँ तक, इनमें क्या, कहाँ तक साइंस? या देखिए, एक विषय जो मैं जानता हूँ वो एस्ट्रोनॉमी है, जिसमें कि पृथ्वी के बाहर जो भी चीज़ें घूमती फिरती हैं उनका अध्ययन किया जाता है. वो नियम क्या है उनके घूमने के, वो कब दूर जाती हैं, कब पास आती हैं, कितनी स्पीड से चलती हैं, वो हमसे दूर जा रही हैं कि हमारे पास आ रही हैं, कब बनी थी, कब खत्म होंगी, इन सब का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में किया जाता है. अब अगेन हम आए कि ये चांद का इच्छा क्यों है ऐसा घूमने की, यह सूरज ऐसा क्यों घूमता है, कुछ तो उसके मन में होगा ना. अब खुद नहीं घूम सकता तो सात घोड़े होंगे उसको घुमाने के लिए, तो सूरज के सात घोड़े होते हैं. लेकिन अब इसके साथ धीरे धीरे जुड़ता है कि भाई इतनी सारी ये गतियाँ हो रही हैं तो इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है. तो अब शुरू हो गए एस्ट्रोलॉजी, जिसको एक समय में भारत में एक गणित ज्योतिष या एस्ट्रोनॉमी और एक फलित ज्योतिष, जिसको कि अब हम एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिस ज्योतिष अब आमतौर पे फलित ज्योतिष को ही ज्योतिष माना जाता है. उसमें यह होता है कि यू डिसाइड कि ये शनि जो है इसकी थोड़ी चाल आपने अध्ययन किया है एस्ट्रोनॉमी में, कि वो साल भर तो एक दिशा में चलता है, बीच बीच में कभी कभी उल्टा जाता है, फिर सीधा जाता है, फिर उल्टा जाता है, फिर सीधा, तो इसकी चाल में कुछ गड़बड़ है. अभी जन्म के समय ये व्यक्ति को सीधा इसकी किरणें पड़ी होगी तो वो व्यक्ति भी ऐसा ही करेगा, कभी सीधा चलेगा, कभी उल्टा चलेगा, तो उसका दिमाग थोड़ा सा विचलित रहेगा. ये एस्ट्रोलॉजी है, मुझे पता नहीं इसका कोई आधार है कि नहीं. कई लोग बोलते हैं इसके बड़े मजबूत आधार हैं और लोगों ने बड़े अध्ययन किए हैं. या अब जैसे चंद्रमा बोलते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ज़्यादा लोग पागल होते हैं, कई लोगों ने तो यहाँ तक बोला है कि पागल खाने में उस दिन ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, एजिटेशन होता है, जो वहाँ के मरीज हैं उनमें ज़्यादा एजिटेशन होता है पूर्णिमा और क्यों होता है, चंद्रमा तो अच्छा खासा शांत नहीं, वो चंद्रमा जैसे समुद्र में ज्वार पैदा करता है ना, वैसे दिमाग में भी ज्वार पैदा करता है, इसलिए वो उनके दिमाग में उथल पुथल हो जाती है. सबके दिमाग में होती है पर उनके दिमाग में होती है तो ज़्यादा असर होता है. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स टू थिंक ऑफ इफेक्ट ऑफ दीज प्लैनेट्स देयर मोशंस ऑन ह्यूमन हेल्थ, नेचुरल इवेंट्स. अगेन मैं बोलूँगा कि ये काफ़ी नेचुरल टेंडेंसी है इंसानों की, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि इस प्रकृति के केंद्र में तो हम हैं, जो कुछ होता है हमारे लिए होता है. ये सिर्फ क्रिश्चियन धर्म में तो काफ़ी स्पष्ट रूप से ही बोला गया है, बाकी धर्मों की भी ये मान्यता है कि ये जो कुछ भी बना है सब हमारे लिए बना है. जब हमारे लिए बना है तो यदि ये इधर से इधर जा रहा है तो भी हमारे लिए जा रहा है, तो क्यों जा रहा है ये,
कुछ तो असर करता होगा हमारे ऊपर, तो ये जो एक भावना है। लेकिन इसके साथ दूसरी बात जुड़ी हुई है जो मुझे लगता है ज़्यादा गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। कोई भी नॉलेज के मामले में हम तीन बातों पे ध्यान दे सकते हैं। वन इज एक्सप्लेनेशन, कोई इवेंट हो रहा है, कोई फिनोमिना है, कुछ भी है, यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट, दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी। सेकंड इज टू प्रेडिक्ट इट्स कोर्स, प्रेडिक्ट करना इवेंट्स को, और तीसरा है टू कंट्रोल इट। ये तीन जो ज्ञानार्जन के प्रमुख तीन ये स्तंभ हैं। अब आप देखोगे कि धर्म भी वही करता है, विज्ञान भी वही करता है। धर्म भी एक्सप्लेन करता है कि ये गतियाँ हैं क्योंकि इसमें घोड़ा लगा हुआ है, इसमें इसको ऐसा चलाते हैं, राहु और केतु आके चांद को पकड़ लेते हैं, दैट इज द एक्सप्लेनेशन। अब यदि ऐसा हो जाता है तो प्रेडिक्ट कि कब होगा, अगली बार कब होगा, सो यू प्रेडिक्ट। एंड तीसरा, इसके जो भी असर हैं उसको कंट्रोल कैसे करें। तो ये तीनों चीज़ें वहाँ हैं विज्ञान में, तीनों चीज़ें अलग रूप में हैं लेकिन तीनों हैं। और ये अंतर पहचानना कि ये एक्सप्लेनेशन और ये एक्सप्लेनेशन जो है इसमें क्या अंतर है, ये प्रेडिक्शन और ये प्रेडिक्शन में क्या अंतर है, और ये कंट्रोल में क्या फ़र्क है, ये मेरे ख्याल में प्रमुख काम है विज्ञान शिक्षक का, टू क्लेरिफाई दिस डिफरेंस। तो अभी तक जितने हम जानते हैं, अध्ययन हुए हैं या जो भी हुए हैं, दे प्रूव कि ऐसा डायरेक्टली कोई असर किसी व्यक्ति विशेष पे, किसी ग्रह की दशा का या सूरज के किसी विशेष फेज का नहीं होता। इस पे मेरे ख्याल में 8-10 साल पहले जयन लालिकर जी ने बड़ा महत्वपूर्ण अध्ययन किया था, वो करंट साइंस मैगजीन में छपा भी था, तो यदि आप देखेंगे नालिकर के नाम से आपको मिलेगा, बहुत सुंदर अध्ययन है। तो इस तरह के और भी अध्ययन हुए हैं, यूरोप में बहुत अध्ययन हुए हैं, भारत में कुछ मज़ेदार अध्ययन भी हुए हैं इसको लेके, जैसे बंदर की जन्म पत्री बना के और किसी ज्योतिष को भेज दी और रीसेट किए तो देश का विश्व विजयी उद्योगपति बनने वाला है, वगैरह वगैरह, सो ऑल दैट। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं काफ़ी स्पष्टता से कह सकता हूँ कि वो कोई काम की चीज़ नहीं है, लेकिन उस पर विश्वास इसलिए बना लेता है क्योंकि हम में से अधिकांश लोगों को स्टैटिस्टिक्स नाम के विषय के बारे में कुछ पता नहीं होता। कई सारी घटनाएं स्टैटिस्टिकली कंट्रोल होती है। सिक्के को उछालेंगे तो 100 बार उछालेंगे, 50 बार चित और 50 बार पट आएगा, लेकिन अभी एक उछालो आप बोलोगे कि क्या आने वाला है तो आप बता नहीं पाओगे, कुछ भी आ सकता है। ये जो उसमें डिफरेंस है, लार्ज नंबर के बारे में प्रेडिक्शन कर पाना और स्मॉल नंबर के बारे में ना कर पाना, ये जो गैप है इसी का फायदा ये इन प्रेडिक्शंस में उठाया जाता है। अब मैं सबको बोलता जा रहा हूँ, आप पास हो जाओगे, आप पास हो जाओगे, आप पास हो जाओगे, आप पास हो जाओगे। अब आप में से इतने लोग बैठे हैं, 50% तो पास हो जाएंगे ना, तो उन लोगों को याद रहेगा कि मैंने बोला था, बाकी लोगों को कहाँ याद रहता है। सो देर इज इग्नोरेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड सिलेक्टिव एमनेशिया विच लीड टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। याद रहता है वो, किसी को यदि सुबह निकलने से पहले बोल दिया देखना आज यार संभल के चलना, एक्सीडेंट हो सकता है। यदि उस दिन हो गया तो समझ लो मैं तो सच्चा ज्योतिष हो गया, और नहीं हुआ तो उसको कहाँ याद रहता है। तो ऐसी कई घटनाएं मैं बता सकता हूँ जो मेरे साथ भी हुई हैं, जिसमें कि मेरे को लगता है कि मैं तो भविष्यवक्ता हूँ, और कई बार शायद वो सिलेक्टिव एमनेशिया का असर है कि बाकी की मेरे को याद ही नहीं है, जब जब वो हुआ वो याद है मेरे को। हेलो सर। हेलो, माय नेम इज स्नेहा जैन, स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन। सो मेरा सवाल है कि जो भी आज कॉन्सेप्ट से कुछ कुछ उनके सूडो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बहुत एग्जिस्ट करते हैं, दे यूज द सिमिलर टर्म्स इज साइंस। जैसे एक एग्जाम्पल दूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बॉडीज के वेव्स हैं, वो हम रात में सोते हैं तो जाती है यूनिवर्स में घूमती रहती है, और फिर हम सुबह उठते तो वापस आते हैं तो उससे इफेक्ट होता है, वगैरह वगैरह। अब अगर किसी को फिजिक्स पता है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक्चुअली हमारी बहुत कम है, इट्स आई मीन इट्स इम्पॉसिबल टू एक्चुअली ट्रैवल दैट।
सो एज मतलब जिसको नहीं पता डिटेल साइंस की, तो इन सब टर्म्स में हम डिफरेंस कैसे करें, और इवन एज अ साइंस एजुकेटर कौन सा एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक है और सूडो साइंटिफिक है, और वो समझे कैसे और बच्चों को भी समझाए कैसे फिर इस चीज़ को? देखिए कुछ चीज़ें 1930 के बाद थोड़ा सा गड़बड़ हुआ जब क्वांटम मैकेनिक्स का फील्ड शुरू हुआ, और ये जो है सारे जो उटपटांग जिनको बोलना है उनके लिए बड़ा खुला फील्ड है कि वो तो कभी पार्टिकल होता है, कभी वेव हो जाता है, कभी वो इलेक्ट्रॉन है उसको तो वो कहीं भी पाया जा सकता है, उसकी तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी है विच इज़ नॉट ज़ीरो एनीवेयर, तो हाँ चलो, या जो बिग बैंग के समय की वेव्स हैं माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन वो अभी मौजूद है, तो फिर बोलते हैं कि भाई महाभारत के समय जो कुछ बोला गया था वो भी तो वेव्स थी, वो भी अभी मौजूद है, एंड समबडी इवन क्लेम कि उसने कुछ कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया है कि संजय क्या बोलता था और धृतराष्ट्र क्या बोलते थे। तो ये समस्या ये है कि जब भी कभी ये पढ़ाए जाए विषय तो इस क्लैरिटी के साथ पढ़ाना चाहिए कि चाहे वो वेव्स हों, पार्टिकल हों, कुछ भी हों, लेकिन दे आर रियल फिजिकल थिंग्स एंड दे कैन बी मेजर्ड। इट इज़ नॉट समथिंग कि मेरे में से वेव्स निकल रही हैं, कभी नेगेटिव वेव निकल रही हैं, कभी पॉजिटिव वेव निकल रही हैं, पॉजिटिव एनर्जी निकल के पूरे कमरे में फैल गई है, अभी थोड़ा कुछ गड़बड़ करूँगा तो नेगेटिव एनर्जी फैल जाएगी, ये सब दीज आर नो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, ये दीज आर नॉट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। वेव इज अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट अप्लाइड ऑन सर्टन फिनोमिना एंड इट कैन बी रिगरसली मेजर्ड, उसका मैथमेटिक्स हम समझ सकते हैं किस तरीके से वेव यदि होगी तो कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे वो और वेव से इंटरैक्ट करेगी, कैसे पार्टिकल से इंटरैक्ट करेगी, दीज आर। तो जब कभी भी क्लासरूम में पढ़ाते हैं इट शुड बी क्लियर कि वी आर टॉकिंग अबाउट रियल फिजिकल एंटिटीज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग यू नो ब्रेन वेव्स। तो वो ऐसा हो जाता है ब्रेन वेव है तो बॉडी वेव भी होगी, चलो लगा दो कुछ भी कर लो, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है साइंस एजुकेशन में। मुझे पता नहीं, मतलब कई देशों में ये कोशिश हुई है कि ऐसी जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट हैं, मुश्किल हैं, उनको ट्राई एंड एक्सप्लेन टू पीपल इन सिंपल टर्म्स, और इसकी कई सारी किताबें लोगों ने लिखी एक समय में, फिजिसिस्ट बायोलॉजिस्ट ऐसी बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखते थे, आजकल बहुत कम लिख रहे हैं, जैसे कि एरविन श्रोडिंगर ने लिखी थी व्हाट इज़ लाइफ, बहुत सुंदर किताब है, थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर किस ढंग से लाइफ को समझते हैं, या श्रोडिंगर कैट ऐसी एक किताब है, उसमें ये जो समस्या है ना कि वो है भी और नहीं भी है और वो तो सर्वव्याप्त भी है और कहीं भी नहीं है, वो उस समस्या को समझने में मदद करती है वो, या जो रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक मिस्टर टॉमकिंस इन वंडरलैंड है, वो पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। तो ऐसी मुझे लगता है और भी साहित्य की आवश्यकता है ताकि लोग वैज्ञानिक जो कॉन्सेप्ट जो बहुत मुश्किल हैं और कई बार उनका गलत उपयोग बहुत आसान है, चूँकि वो मुश्किल हैं, चूँकि एब्स्ट्रैक्ट हैं, इसलिए उनका गलत उपयोग बहुत आसानी से हो जाता है, तो उनको क्लैरिफाई करने के लिए वी नीड मोर एंड मोर लिटरेचर। जैसे अभी वो किसने बोल दिया कि वो तो बिहार के डीएनए में ही है, हाँ कुछ अभी वो चुनाव के समय किसने बोला था कि वो बिहार के डीएनए में ही ऐसा है, अभी डीएनए किसको मालूम है यार, डीएनए में घुसा दो, पहले खून में होता था अब डीएनए में हो गया, तो ये ऐसी बातें बोलना, इसलिए मुझे लगता है कि ये दो प्रकार की चीज़ों में अंतर लगातार करते जाना चाहिए। अभी कोई बोलेगा कि वो हमारे यहाँ तो वो बॉडी ट्रांसप्लांट हो जाता था और सिर लगा देते थे और इसका सिर उसको लगा दिया, उसका सिर उसको लगा दिया, वन शुड रियलाइज कि जैसा मैंने कहा कि जब चांद चावल उधार लेके आता है, सो दैट्स ए वेरी नाइस थिंग टू लिसन टू, पर उसको ये मानना कि दैट इज़ फैक्ट वो गलत होगा। इसी प्रकार से हाँ ये बोलने में अच्छा है
कि ये बैठे हैं तो कितना अच्छा माहौल बना हुआ है, बिकॉज ही एक्सक्यूट्स पॉजिटिव एनर्जी. ये एक कहने की बात है, ही इज एक्सक्यूटिंग नो एनर्जी, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. हाँ, ही माइट बी प्रोड्यूसिंग थॉट्स एंड स्पीकिंग टू अस. तो वो मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी होना कि दो अलग अलग फील्ड्स हैं, माइथोलॉजी का रोल अलग है समाज में. मतलब महाभारत को रिप्रोडक्शन का एनसाइक्लोपीडिया मान के चलेंगे तो गड़बड़ होगा, कि वो उसमें क्लोनिंग भी हो गया था और टिश्यू कल्चर भी हो गया था, सब तो हो गया उसमें, अब करने को बचा गया. ये सब NCSB वगैरह सब बंद कर देना चाहिए. देर शुड बी ओनली वन थिंग, स्टडीज, महाभारत स्टडीज. तो आप वो हेड ट्रांसप्लांट में जान निकल रही है, 2017 में करने वाले हैं, बेचारों की जान निकल रही है, कितना मुश्किल काम है. लेकिन हम बोल देते हैं, हमारे यहाँ तो गणपति का सिर लगा दिया था. तो ये हमारी जो समस्या है ना, कि इस तरह के जो सवाल हैं, क्यों नहीं साइंस क्लासरूम में इस पर बात होती कि एक पूरे हाथ को ट्रांसप्लांट करना या पूरे सिर को ट्रांसप्लांट करना के चैलेंजेस क्या है. पर वो कंट्रोवर्शियल, क्योंकि भारत में तो हो चुका था ना, तो अब साइंस क्लासरूम में सवाल क्यों पूछे. तो सवाल साइंस क्लासरूम में ये होगा कि नर्वस सिस्टम होगी और वेन्स होंगी, आर्टरीज होंगी, मसल्स होंगी, और खाना खाएंगे तो इसोफेगस होगी और स्टमक होगा. पर कभी ये हम सवाल नहीं उठाएंगे कि यदि खाना खाया है एक हाथी के सिर ने, तो उसकी इसोफेगस मनुष्य के इसोफेगस से कैसे जुड़ेगी. एंड दैट क्वेश्चन हैज टू कम टू साइंस क्लासरूम, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. तो इसलिए ये जो झंझट है ना, आप बोल रहे हैं कि वो वेव्स होती हैं और ये होता है वो होता है, वो यही समस्या है. कभी हमने अलग अलग नहीं किया दो चीज़ों को, कि जो वेव्स की वो बात हो रही है, ये वेव्स अलग अलग वेव्स हैं. गुड आफ्टरनून सर, आई हैड टू क्वेश्चंस. माई फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, आपने यू स्पोक अ लॉट अबाउट साइंस एजुकेशन, बट आई ऑल्सो फील, आई मीन आई वॉन्टेड नो योर ओपिनियन ऑन इमोशनल एजुकेशन, बिकॉज आई फील दैट बिकॉज पीपल आंट इमोशनली वेरी स्ट्रांग, दे आर वेरी वल्नरेबल टू बिलीविंग इन सर्टन थिंग्स, एंड स्पेशली लाइक due to efforts of people like you, even though religious practices are now going down, but especially within my generation, I see there is this new trend that people are not religious but are very spiritual. Do you think there is a lack of emotional strength because of which people prefer to still seek what they sought in religion now, but now in spirituality? And the second question is a little more personal. Having the views you have, which I'm assuming are in conflict with most people you meet, how do you navigate in conversations, in daily life with people and still maintain healthy relationships, but also your principles? So. Can I take one more question? मेरा question ये है कि अभी जो हमने बातें की कि जो धर्म को मानने वाले हैं या विज्ञान को मानने वाले हैं या धर्म को मानते हैं, ये जानते हुए भी कि हम गलत कर रहे हैं या फिर हमें नहीं मानना चाहिए, इसको पीछे कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी हम मान रहे हैं, ये लोग जानते हुए भी ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें हमारा कितना रोल होना चाहिए कि हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर पाएँ. क्योंकि अगर हम कोई भी टीवी चैनल देखते हैं तो सच में बहुत रश होता है उनकी, जितने भी कैंपसेस होते हैं, और फिर भी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं. लेकिन हम जो जिसको हम सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि हाँ हमने कुछ पढ़ाई की है, हम कुछ जानते हैं, तो हम ऐसे लोगों को या हम इवन अपने माँ बाप को भी कैसे कन्विंस करें कि ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, इनके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि वो सच में कन्विंस नहीं होते हैं. जैसे हम दो तरफा बात बोल रहे हैं कि अगर वो कन्विंस नहीं हो रहे तो उसके पीछे भी उनके पास लॉजिक है कि वो बेसिक मे बी एस्थेटिकली हो सकता है और मे बी कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो साइंस की तरफ जा पाए. लेकिन इसका कोई सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना, नहीं तो सोल्यूशन के बिना तो हम चाहे
कितने भी बड़े बड़े सेमिनार्स कर लें, कुछ भी डिस्कशन कर लें, तो कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता हो पाएगा जब तक उसका कोई सोल्यूशन ना निकाला जाए प्रॉपर. क्योंकि हम यहाँ पर, यहाँ की स्ट्रेंथ उसके अकॉर्डिंग शायद 1% भी नहीं है जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो लोग वहाँ बैठे होते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि कुछ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि हम पब्लिक में जाकर, लोकल पीपल के अंदर जाकर इस तरह की बातों के ऊपर हम उनके साथ बहस कर पाएँ, उनसे बातचीत कर पाएँ, उनके अंदर से जो ये जो बेमतलब का विश्वास है उसको हम कैसे ठीक कर पाएँ. आपका सवाल पहले पर्सनल वाला ले लेता हूँ, उसमें से इस सवाल का भी जवाब आएगा. देखिए, मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई कि मैं कुछ ऐसा मानता हूँ जो उनको मान्य नहीं है. इसमें एक बात तो ये देखना चाहिए कि मैं इसको मैं और उनके रूप में नहीं देखता कि मैं कुछ हूँ और वो कुछ और हैं, और या तो मैं उनको समझा दूँ या वो मेरे को समझा दें, ऐसा मैं मान के आगे नहीं बढ़ता. मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह के विश्वास रखते हैं, और मेरा काम यह है कि मैं अपना विश्वास बताऊं और ये भी बताऊं कि मैं ऐसा विश्वास क्यों रखता हूं, और वो बताएं कि वो वैसा विश्वास क्यों रखते हैं. तो ये एक डायलॉग की बात है, और वो डायलॉग अक्सर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे जिस ढंग का पीपल साइंस का काम चला उसमें डायलॉग की बजाय कन्फ्रंटेशन ज़्यादा हुआ. तो एक डायलॉग की ज़रूरत है, और जब मैं इस तरह का डायलॉग करता हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ, उन सबको मालूम है कि मैं क्या विश्वास करता हूँ, फिर भी वो उनको जिन मामलों में सलाह चाहिए वो मेरे पास आते हैं और वो बताते हैं कि हमारे हिसाब से ये होता है तो ठीक है क्या. तो ऑलवेज देयर इज अ डायलॉग. सो आई हैव नेवर हैड एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस. हाँ, वो कभी कभी बोल देते हैं कि नहीं, वो थोड़ी मानेगा, अपने को ऐसा करना है कर लो, वो नहीं मानेगा. बट दे नेवर रिजेक्टेड मी ऑन दिस ग्राउंड. अब सवाल ये है कि ये जो डायलॉग है इसमें दो पक्ष हैं. जो आपने कहा कि कुछ तो अल्टरनेटिव होना चाहिए, तो वो अल्टरनेटिव जैसे कि जब मैं छोटा था तब माता का टीका लगता था, ये चेचक का, माता बोलते थे उसको, माता आ गई, और मानते थे कि माता आई मतलब कुछ देवी प्रकोप है, इट इज नॉट एनी फिजिकल कॉज. एंड देर वॉज ग्रेट अपोजिशन टू वैक्सीनेशन. एक तो वो तकलीफ भी बहुत होती थी, वो वैक्सीनेशन वॉज वेरी पेनफुल, बट अदरवाइज ऑल्सो फैमिलीज विल नॉट सेंड देयर चाइल्ड दैट डे टू द स्कूल, तुम्हारा अभी वैक्सीनेशन होगा, भेजो ही मत. बच्चा भी खुश होता था कि नहीं जाना पड़े तो ठीक है, उनको यहाँ ऐसे 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 मार मार के लगाते थे, एक सुई लेके बैठ जाते थे, आपको हमारी उम्र के सब लोगों के यहाँ पे दो निशान दिखेंगे, वो ऐसा बैठ के सुई से टोंचते थे, खूब तकलीफ होती थी, फिर बुखार आता था. प्लस साथ में बहुत बड़ा विश्वास था कि ये इन लोगों के बस की बात नहीं है, डॉक्टरों के, ये तो देवी के कारण होती है बीमारी, देवी को पूजो. तो वो जब चेचक किसी को घर पर निकलती थी तो उसकी कुछ वो पूजा वूजा होती थी और एक कलश वलश ले जाके मंदिर में रख देते थे, ठीक हो जाएगा. जब पल्स पोलियो आया, सो देर वॉज नो अपोजिशन ऑफ दिस काइंड, एक्सेप्ट आई थिंक इन फ्यू कंट्री समवेयर, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ. सो आई थिंक पीपल सॉ द ऑप्शन कि हाँ, दिस इज एन ऑप्शन, ये लेंगे तो होगा ठीक. या बचपन में आप टीके लगवाना, इट इज़ बिकम सच ए रूटीन थिंग कि वो मिजल्स का टीका लगेगा और TABC लगेगा, इट हैज़ बिकम वेरी रूटीन. आई थिंक इन मेनी ऑफ द केसेस द अल्टरनेटिव्स टू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, कि वो झाड़ फूक में चले जाएंगे, आधे टाइम इलाज करेंगे, आधे टाइम छोड़ देंगे, उस सबका सीधा है कि यू हैव टू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम. अधिकांश आप देखोगे कि ऐसे इन चीज़ों का संबंध हेल्थ से बहुत हद तक होता है. और राइट नाउ प्राइवेट मेडिकल केयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉसेस ऑफ इंडिपेंडेंस इन दिस कंट्री, जिसके कारण लोगों को अपनी ज़मीनें बेचना पड़ती हैं, अपने घर गिरवी रखना पड़ते हैं.
वो इतना महंगा हो चुका है, तो यदि वो महंगा है तो फिर जो भी अल्टरनेटिव है वो ठीक है ना। तो एक तो ये है कि आपको जिसको मैं कह सकता हूँ इन शॉर्ट वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो यदि ठीक से लागू होगा कि लोगों को ठीक से खाना पीना मिले, ठीक से इलाज मिले, ठीक से शिक्षा मिले, ठीक से रिक्रिएशन मिले, तो शायद एक अल्टरनेटिव तो वो है। जो आप देखोगे कि 90s से विथ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वेलफेयर रोल ऑफ द स्टेट इज बीइंग रोल्ड बैक, कम से कम करते जा रहे हैं। तो यदि ये कम से कम होता जाएगा तो देन विथ नो पॉलिटिकल अल्टरनेटिव यू दैट इज द ओनली अल्टरनेटिव, सो दैट इज वन थिंग। दूसरा ये है कि जैसा मैंने कहा कि बजाय ये कोशिश करने के कि हम दुनिया को बदल देंगे, दुनिया के सामने ये रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि दूसरी तरीके से सोचने का तरीका है। ये मानना कि हम बता देंगे और लोग मान लेंगे क्योंकि हमारा सही है, ये इतना आसान इक्वेशन नहीं है। पर एटलीस्ट अच्छी भाषा में सरलता से जो अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन है उसको सबके सामने रखना, वो तो अभी तो हमने रखा भी नहीं है। हमारी स्ट्रेंथ इतनी कम नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ 25 लाख टीचर्स हैं हिंदुस्तान में, वो सब हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन उनको कभी हमने तैयार ही नहीं किया कि बच्चों के साथ इन सवालों पे चर्चा करें। उसको हम अपनी कमजोरी मान बैठे, उन स्कूलों को हम बंद करने को तैयार हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ है। जो इतने सरकारी अस्पताल हैं दैट इज आवर स्ट्रेंथ, दे कैन रियली गिव अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस टू पीपल कि ये जो मॉडर्न मेडिसिन है वो वास्तव में ठीक करती है और बिना आपको कर्जदार बनाए ठीक करती है। सो आई थिंक वन हैंड सोशल वेलफेयर की स्कीम्स को और अच्छे से लागू किया जाना, स्टेट को अपना वेलफेयर रोल को सिंसियरली ईमानदारी से निभाना, और दूसरी तरफ लोगों के सामने ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस को अच्छी तरीके से रखना, विदाउट सेइंग कि आप लोग अभी तक जो मानते थे आप बेवकूफ़ हो और मैं बताता हूँ क्या सही है, दैट विल नॉट, दैट एलिनेट्स पीपल। हाँ आप मानते हो, दूसरा भी एक विचार है, इसको भी सुन लेते हैं, देखते हैं कौन सा ज़्यादा सही निकलता है। दैट्स लास्ट टू क्वेश्चंस। हेलो सर, माय नेम इज संतोषी एंड आई एम फ्रॉम एजुकेशन। हम मंदिर में देखते हैं कि औरतों के अंदर देवी माँ आ जाती है और वो सडनली जहाँ है वहाँ पे घूमना स्टार्ट कर देते हैं, और जो बाकी के लोग भी हैं वो उनके पैर पड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो इन सब मान्यताओं के बारे में आपका क्या कहना है? देवी देवी आना। हेलो सर, मेरा एक सवाल है सर, हम बहुत बार हिप्नोटिज्म के बारे में सुनते हैं, तो सही में हिप्नोटिज्म ये प्रोसेस क्या है, और उसका जो हिप्नोटिज्म ये सुपरस्टिशन को बढ़ावा देती है क्या? देखिए, एक तो ये देवी के आने का जो सवाल है वो आती तो वास्तव में, क्योंकि जिस ढंग की हरकतें वो व्यक्ति करता है वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। वो अपना सिर को दीवार पे पटक देगा, वो अपनी सास को एक लात मार देगी वगैरह, जो वो अपने ठीक ठाक दिमाग में नहीं करे, तो कुछ होता तो है। और इसके कई सारे जांच परख किए गए हैं। सबसे जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है कि लोक विज्ञान संगठन ने राजस्थान के एक महिला सम्मेलन में एक महिला को देवी आ गई, तो उसने अपना हाथ पांव पटका पटका अगरबत्ती चलाई गई, टीका वीका लगाया उसको, आधे घंटे में वो शांत हो गई, फिर शी वॉज ए नॉर्मल वुमन। तो ये लोग उसके पीछे पड़ गए कि चक्कर क्या है, तो उनको समझ में आया कि वो क्या हुआ था, जब ये शादी करके आई थी तो वो सास बहुत परेशान करती थी, तो एक दिन गुस्से में इसने उसको चिमटे से मारा, और गुस्से में थी तो खूब आग बबूला हो गई और लकड़ी निकाल ली चूल्हे में से,
तो सास जो है डर गई, तो इसने देख लिया कि हाँ इसको डरा सकते हैं। तो अब जो है वो दो चार महीने में, छः महीने में एक बार ऐसा करके दिखा देती है। लेकिन ये मतलब हो सकता है कि इसका काफ़ी डेलिबरेट है, लेकिन नॉन डेलिबरेट भी होता है, जिसमें कि व्यक्ति को ऐसा कुछ मन में विचार आते हैं कि वो विचित्र हरकतें करता है। और इसका और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होने के कारण हम मानते हैं कि इस व्यक्ति पे कोई स्पिरिट आ गई है, हनुमान जी आ गए हैं, भैरू आ गए हैं, देवी आ गई है, वगैरह वगैरह। तो दिस विल डेफिनेटली कम अंडर द क्वेश्चन ऑफ मेंटल हेल्थ, और उसको वहाँ टैकल करने की ज़रूरत है। और इस पर यदि आप पढ़ना चाहें तो रस्किन बॉन्ड की एक किताब है कमिंग अप देवी, वो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। रस्किन बॉन्ड है कमिंग अप देवी। आपका फिर से बताएंगे सवाल? देखिए, हिप्नोटिज्म जो चीज़ है, जो मैंने होता हुआ देखा भी है और उसकी रिपोर्ट्स भी पढ़ी है, उसमें समहाउ ए पर्सन कैन कंट्रोल योर बिहेवियर। अभी इट कैन बी सेक्युलर, इट कैन बी रिलीजियस, इट कैन बी यूज फॉर अल्टीरियर मोटिव्स, इट कैन बी यूज फॉर गुड मोटिव्स। जैसे आजकल साइकेट्री में है हिप्नोटिज्म इज ए थेरेपी, जिसमें कि आपको सजेशन दिया जाता है, आपको हिप्नोटाइज करके आपको कई सजेशंस देते हैं, जिससे आप अपने विचारों पे सोचते हो कि क्यों ऐसे विचार आ रहे हैं वगैरह। इट इज़ बीइंग यूज्ड एज ए थेरेप्यूटिक टेक्निक। बट हिप्नोटिज्म इट कैन आल्सो बी सम गेम। कर लो, अभी यहाँ पे हिप्नोटाइज कर दो और आपको बोलूँगा ये कुर्सी तो वास्तव में रथ है, इस पे बैठ के इसको चलाओ, तो आप सब लोग चलाओगे, लेकिन मेरे को आता नहीं। तो ये मुझे नहीं लगता कि हिप्नोटिज्म इज़ क्वाइट न्यूट्रल। आप उसको किस उपयोग, किस काम के लिए उपयोग करेंगे आप, वो है। जैसे कि वो एक फ्रांस में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मैस्मर, उनके नाम पे मैस्मराइजेशन चलता है। वो मैस्मर जो है वो कुछ करते थे, थोड़ा हिप्नोटाइज टाइप का होता था। तो वो कोई जो मरीज उनके सामने बैठेगा, जिसको ये भूत प्रेत वगैरह होगा, वो सामने बैठेगा और मैस्मर उसके दोनों घुटने पे ऐसे हाथ रख देते थे और फिर उसके आँखों में आँखें डाल के वगैरह जो भी करते होंगे। तो वो व्यक्ति को खूब एजिटेशन होता था और वो हाथ वाथ पटकने लगेगा, सब करेगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाएगा। ऐसा वो चार पाँच बार करते थे तो वो व्यक्ति ठीक हो जाता था, ऐसा दावा किया जाता है। तो मैस्मर की बहुत ख्याति फैल गई। धीरे धीरे उनको लगा कि अब ये इतने से मरीज से कब तक करता रहूँगा ना, दिन भर एक मरीज को एक एक घंटा लगता है। तो उन्होंने किया कि मरीजों का गोला बना लेते थे, एक मरीज का हाथ वो पकड़ते थे, वो उसका पकड़ता ऐसा। तो अभी ये जो इफ़ेक्ट है वो चेन में ट्रांसफ़र होता था, ये भी कम पड़ने लगा। तो उन्होंने धीरे धीरे ये किया कि वो आते थे उस हॉल में और वहाँ पानी का एक ऐसा टैंक रखा था, उस पानी को हाथ लगाते थे, वो पानी में उनका वो आ जाता था और फिर वो पानी लेके लोग करते थे तो सबको एजिटेशन वगैरह सब हो जाते थे और सब ठीक हो जाते। अब जब बहुत ही बढ़ गया, इतने ख्याति प्राप्त हो गए वो, तो उन्होंने कहा कि ये पानी जो है उनके बगीचे के पेड़ों पर छिड़क दिया जाता, तो लोग उन पेड़ों को छू छू के ठीक हो जाते थे। तो अभी देखिए, इसमें इसका बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ और पता चला कि वास्तव में ये जो मेस्मराइजेशन जिसका टेक्निक का यूज़ करते थे, वो व्यक्ति के अपने दिमाग में होती है और उनको लगता है कि ये मेस्मर जो हैं मेरे ऊपर ऐसा कुछ असर डाल रहे हैं कि अब मैं ठीक होने वाला हूँ या होने वाली हूँ। तो वो जिसको वो बोलते थे क्राइसिस शुरू हो जाती थी। तो इसलिए वो क्राइसिस पेड़ों पर भी होती थी और पानी को लगा दो तो भी होती थी। तो दिस वॉज डेफिनेटली मिसयूज ऑफ दिस आइडिया ऑफ हिप्नोटिज्म। माइट बी वन टू वन में हिप्नोटाइज होता होगा, पर स्लोली टू स्प्रेड इट टू
thousands of patients and bagiche mein ho raha hai. Yadi aaj ka zamana hota to shayad wo bottle mein bhar bhar ke bech bhi dete ki ye pani mesmerized water. To mujhe lagta hai hypnotism is a very neutral kind of thing. Maine hote hue dekha hai, it's quite effective aur aajkal iska therapeutic use bhi hota hai. I doubt if any religious person does hypnotism. So let's all thank the speaker for this fascinating journey. So clearly, irrationality is all around us, and it's not very straightforward to address it. And I guess, in fact, people are now doing a scientific study of irrationality. I mean, recently, a Nobel Prize winning economist, Daniel Kahneman, has written a whole book. You're not as smart as you think you are, showing how people make illogical decisions. It's not only in our own country. Yes. And maybe there's even a biological angle to it. Because if some other person will view us as they view the other animals on Earth, they will view us as having evolved. Then, if irrational beliefs helped us to survive up to this point, maybe that is why we are so deep-rooted in us. So anyway, a very thought-provoking lecture. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. When this program would have been happening, which is on the help from Uzima, and earlier it was a called as a Dabholkar Memorial Lecture, but this time we renamed to the Dabholkar-Kalburgi Memorial Lecture. Thank you, Giri, for this approval. Thank you, this participant in the place, Gagan, Faris, Pankaj, Krishna, Anil, Umesh, Vaibhav, Nitesh Khanjan. Thank you. Thank you so much.